हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक कमेंट्स करते हैं। तो मैं दरअसल में मेरा ये जो वीडियो है ये एक्चुअली आप लोगों के लिए अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें एक डिफरेंट टाइप का इनलेट वाल्व बॉल कॉक है, तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि कैसे ओपन करना है, कैसे रिपेयर करना है, ठीक है? क्योंकि अभी कल एक भाई साहब ने जो है मुझे कमेंट में किया था कि मेरा जो बॉल कॉक है जैसे ये बॉल कॉक है, ठीक है, तो इसका खोलने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको आप अगर खोलने का तरीका देखिए, इसमें इस तरीके से है ये, अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है खोलने का, बाकी सेम ही होता है सब कुछ। तो मैं आज आपको इस टाइप का बॉल कॉक के बारे में बताऊंगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो बाकी जो जो अदर्स जो मैंने पहले जो वीडियो बना रखे हैं जो इस टाइप के बॉल कॉक्स के हैं, क्या है कि ये बॉल कॉक का जो ये ऊपर का ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आप ना, इसमें जो जो चीज़ें होती हैं जैसे इसको ओपन करके रिपेयर करने का तो सारा जो सब कुछ होता है वो एक ही जैसा होता है, लेकिन खोलने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। तो इसमें मैं आपको इस वाले बॉल कॉक के बारे में बताऊँगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को कि जो मैंने पहले जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो जो जिस टाइप जो जितने टाइप के बॉल कॉक हैं, ठीक है, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये बना हुआ है ग्रिप, आप इसको करेंगे, ये देखिए बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया, देखिए इसको। और ये लॉक कैसे होता है, अब ये बाहर आ गया तो ये चीज़ निकल गया, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लॉक बना हुआ है, ठीक है, और ये लॉक जो है देखिए ये इसमें फंसता है ऐसे, ये ऐसे फंसता है इसको, इसके अंदर देखिए इसको वापस इस तरीके से आप फंसा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे फंसता है। इसको जब भी निकालना है आप यहाँ से ऐसे पकड़िए और ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है, ये आपका निकल गया, बाहर आ गया। अब देखिए ये कैप है, ठीक है, अब इसको आप ये लॉक कहीं पे ये टाइट नहीं होता, किसी जुड़ी पे नहीं होता, ये ऐसे ही जो है बैठाया जाता है। आप इसको यहाँ से पकड़िए और ये आराम से इसे निकालिए, देखिए देख रहे होंगे आप, देखिए ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ गया, निकल गया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे दो लॉक है, ये लॉक है, अभी देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अभी क्या है कि अब इसको आप अगर ऐसे भी पकड़ कर इसको ऊपर करके और यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे आप इसको, ठीक है, देखिए ये देखिए ये खुल गया पूरा, ठीक है, ये बाहर आ गया आपका, है ना? क्या होता है कि इसमें देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो गैप है, ठीक है, इसके अंदर ये लॉक जाता है, लॉक इसके अंदर देखिए आपका ये की ओरिंग है जो कि यहाँ पे इस तरीके से एक साइड में ऐसे बिठाया होता है, ये ओरिंग देखिए ये बिठाया होता है इस तरीके से, इसमें बिठाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों के होता लगभग सब सेम ही है, देखिए ये है आपका, और इसको जो है आप आराम से निकाल सकते हैं,
आपको याद रखना है कि ये जो पिन है, ठीक है, ये जो पिन है वो इस वाशर के इसके होल के अंदर जाता है, ठीक है, और ये इसका नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने कि इस रबड़ को पूरी तरह से क्लीन करना है, ठीक है, इसको पूरी तरह से आप क्लीन करना है आपको। और ये चीज़ जो है आपका, ये बिठाते टाइम ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये रबड़ लगा हुआ था, गिर गया। अभी अभी इसमें है क्या आपका कि देखिए ये जो है ना, ये साइड में आपका ये एक लॉक है, ये लॉक है, और ये जो है आपका इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सीधा ये इस तरीके से इसमें अंदर जाता है। इसको कुछ नहीं करना, आपने ऐसे अंदर डालना है और इसको ऐसे अंदर डाला आपने, ठीक है, और ये देखिए ये टाइट हो गया, अब ये टाइट हो गया। और याद रहे आपका कि ये जो सीधा इसका हिस्सा है, ठीक है, ये जो गैप है ये ठीक इसके सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके सामने अगर आएगा नहीं तो आपका ये ऐसे बैठेगा नहीं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे बैठना चाहिए। मतलब जो ये चीज़ है आपका, ये जो होल है ये इसके सामने आना चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं, ये बाउंड ये इसके सामने आना चाहिए, ये जो है यहाँ से ये इसके सामने। अगर आप इसको अब खोलने का, देखिए हमने ऐसे पकड़ा और इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे घुमाया और ऐसे खोला, ये बाहर आ गया, खुल गया, ये देखिए आप। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो ओरिंग है, ये ओरिंग जो बैठता है ये इसमें यहाँ पे इसके साइड में बैठता है, देखिए ये यहाँ बैठ गया ओरिंग, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा तो इसमें आर पार देखिए आपको होल दिख रहे होंगे, ठीक है, और फिर दोबारा आपको ये जो ओरिंग है इसको यहाँ पे इस तरीके से बिठाना है, साफ करके क्लीन करके, देखिए बैठ गया, देखिए। और इसको निकालना है आपको तो इसको भी आप आराम से जो है किसी चीज़ से देखिए ये निकल गया, ठीक है। अब इस ये जो हिस्सा है, देखिए आप ऊपर का जो हिस्सा है ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ ऊपर रहेगा और नीचे जाएगा ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा जो है आपका देख रहे हैं आप इस साइड का, ये ऐसे बैठेगा। ये कभी भी बिठाना हो आपको तो ये इस तरीके से आपको पकड़ना है और इसको देखिए यहाँ पे ये एक पिन है प्लास्टिक का, दिख रहा है आपको ये, देखिए ये पिन है, इसके अंदर इसको ऐसे बिठाना है साफ करके, ठीक है। ये रबड़ कटा पिटा नहीं होना चाहिए, इसको आपको ब्रश से साफ करना है ठीक से, है ना, ये आपको क्लीन करना पूरा ब्रश से, ठीक है। देखिए ये ऊपर रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे जो हिस्सा जाता है वो आपका ये हिस्सा जाता है, ये हिस्सा नीचे जाता है और ये हिस्सा आपका ऐसे ऊपर रहेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। ये खोलने का तरीका आपको पता चल गया, इसमें कहीं पे चोरी नहीं होता, ये लॉक होता है, देखिए आप ये लॉक होता है चार, ये दो और ये तीन और ये चार, तो इस टाइप का जो है आपके यहाँ अगर लगा होता है तो इस टाइप का इनलेट वाल्व जो है आप इस तरीके से खोल सकते हैं। जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जो है वो भी जा कर के उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है देखिए, इसमें देखिए ये होल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये होल दिखाई दे रहा है, ये होल सीधा होता है यहाँ पे आर पार होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको भी आप निकाल सकते हैं, देखिए इसको आपने खींचा और ये पूरा बाहर आ गया, इसमें कुछ नहीं है, देखिए देखिए आर पार एक होल है इसमें बस, देखिए आप, ठीक है। और ये भी रबड़ आपको जो है, देखिए इस रबड़ को भी जो है आपको साफ़ करना होता है, जो रबड़ है आपका इसको भी आपको साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, ठीक है।
इसको भी आपको क्लीन करना होता है। और इसको क्लीन करने के बाद इसको लगाना कैसे है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे ये कट बने हुए हैं, निशान देख पा रहे हैं आप, देखिए ये कट बने हैं। तो ये कट जो है आपका, देखिए एक साइड में इसमें एक ये छोटा सा कट बैठा बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए ये कट है, ठीक है ये कट है। और इस रबड़ में भी एक ही जगह पे ये कट है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे इसको इसके अंदर डालना है और इसको लाना है और ये देखिए, ये देखिए देख रहे हैं जहाँ पे ये कट बना हुआ है इसको इसके कट में जाना है। और देखिए बाकी रबड़ पे कहीं कट नहीं है, देख रहे हैं आप इस साइड में कहीं पे भी कोई कट नहीं है। ये जो कट है ना देखिए, ये देखिए दिख रहा है, देखिए ये जो कट है ये इस तरीके से इसमें डालना है, देखिए बैठ गया, पूरा बैठ गया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ होल है ये पूरा, और इसके अंदर भी ये होल है। अब आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से बिठा कर, याद रहे इसको पूरा आप साफ़ करना है, लेकिन किसी चीज़ से स्क्रैच नहीं मारना है आपको, इसको टूथब्रश से साफ़ करना है, पानी से धुलना है। और इस रबड़ को भी आराम से हाथ से आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इस रबड़ को भी आपको हाथ से क्लीन करना है, ना कि आपको किसी कोई सॉलिड मेटल वगैरह से नहीं करना है इसको आपको, ठीक है। और इसको वापस जो है आप इसमें देखिए, यहाँ पे भी दो रिंग लगे हुए हैं, ये रबड़ के रिंग है, वो रिंग है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये लीकेज की चांस नहीं होती। फिर आपको इसमें क्या करना है, इसके अंदर वापस डालना है इसे, ठीक है, इसके अंदर इसको वापस डालना है, ठीक है। ये बैठ गया, देखिए ये बैठ गया पूरी तरह से। इधर एक जाली होता है, ठीक है, फिल्टर होता है, वो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे होता है एक फिल्टर, वो भी कभी कभी ब्लॉक करता है तो उससे भी दिक्कत आती है, तो वो मैंने निकाल दिया है फिल्टर, ठीक है। अभी भी इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, उसको हमने निकाला और इसके अंदर डाला, देखिए एक ये फिल्टर था इसमें, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक ये भी फिल्टर था, देखिए इसमें देख रहे हैं आप, एक ये फिल्टर लगा हुआ था इसमें पीछे की तरफ, ये जो फिल्टर है ये ऐसे लगा हुआ था इसमें, देखिए इस तरीके से लगा था। और हमने ये पेचकस उठाया और इसको जो है इसके अंदर डाला, ये देखिए यहाँ पे डाला, ठीक है, और ये देखिए निकल गया। अब क्या हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं वापस एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये जो है इसको इस तरीके से रखना है। रबड़ पे देखिए यहाँ कट बना हुआ है, ठीक है, ये रबड़ भी यहाँ पे कटा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्लास्टिक का देखिए यहाँ पे पिन टाइप, मतलब एक लॉक टाइप का निकला हुआ बाहर, ठीक है। ये एक ही जगह होता है, इसमें ऐसे बिठाना है इसको, इसको ऐसे पकड़ करके जो है हाथ से, और फिर इसके अंदर जो है आपको इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है। और रबड़ कहीं घिसके नहीं, इसको दबा दिया बैठ गया, ठीक है। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए ये होल है एक छोटा सा, ठीक है, होल दिख रहा होगा आपको, आपको इस होल को साफ करना है, लेकिन इधर से नहीं करना है आपको होल को साफ, क्योंकि इधर से करेंगे अगर आप, और होल अगर इसका साइज़ फैल गया अब्बा, मतलब ओवर साइज हो गया ये, तो क्या होगा कि पानी रुकेगा नहीं। इसको आप जब भी करें ये अंदर से करें इसको साफ,
देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन लेकर के आप इस होल को आराम से साफ कर सकते हैं, ठीक है। बस आराम से साफ करना, याद रहे कि होल का जो डायमेंशन है ना ये फैलना नहीं चाहिए, ठीक है। वापस इसको लिया वापस और इसको यहाँ पे बिठाया, देख रहे हैं आप, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। ये बाहर का हिस्सा है और वो जो मैंने डाला वो अंदर का हिस्सा है। इस वायरिंग को लिए आपने साफ करना है सब आपको, और यहाँ पे इसके किनारे से ये डाल दिया, ठीक है। ये वायरिंग ऐसे रख दिया आपने, देखिए बैठ गया फिट। और आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपने इसको लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे बिठाया। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो जो इसका देखिए, अभी मैं ऐसे कर दूँगा अगर मैं, तो देखिए आप ये देख सकते हैं आप इसको, कि जो ये हिस्सा है ये यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए ये ऐसे हो गया, ये गलत हो गया। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से खोलना है, ऐसे करना है, यहाँ पे लेना है, ताकि ये जो चीज़ है ना आपका वो यहाँ पे आ जाए, ऐसे इसके सामने आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और अभी ये जो है आपका देख सकते हैं आप इसको, इसको दबाया जाता है निकालने के लिए ऐसे, देखिए ऐसे दबाया जाता है। अभी इसको कैसे लगाना है आपको, एक चीज़ ये भी देखिए, ये जो वाशर है इसको भी साफ़ करना है आपने, क्योंकि ये वाशर आ करके इस होल पे, ये जो होल है इस पे ऐसे, इसको जब आप यहाँ पे प्रेस करता है तो वैक्यूम बनता है और यहाँ पे आपका ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। ये इसको ऐसे घुमाना है आपको कई बार, ये इसको निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पर पकड़ के ऐसे खोलना होता है, और अगर कई बार बहुत टाइट होता है तो आप इसके किनारे किनारे हारपिक डाल के कुछ देर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे किनारे पे हारपिक डाल दीजिए, हारपिक डालने के बाद कुछ देर छोड़ सकते हैं आप इसको, 10-5 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आसानी से स्मूथली ये खुल जाएगा पानी का प्रेशर मारने से। अभी हमने क्या किया, देखिए ये इधर डाला हमने, ठीक है ना, आराम से बैठ गया। अभी इसको क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। अभी इसको अंदर डालने के बाद जो है इसको ऐसे खींच के नीचे की तरफ, ऊपर नहीं करना आपको, ऊपर करके करेंगे तो ये पैक कर जाएगा। इसको ऐसे खींचना है, जब भी इसको यहाँ पे लगाएं इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच के, ऐसे ऐसे खींच लिया नीचे की तरफ और यहाँ पे किया और इसको ऐसे दबा दिया। अब ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से खोलना भी आपको, तो यहाँ से ऐसे किया ऐसे बाहर आ गया, और इसको इसके अंदर डालना है ऐसे, और इसको यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे खींच के लगाना, खींचना है आपको, खींचना है और ये इस तरीके से इसको बिठा देना। अब देखिए ये बैठ चुका है, ये फिट है आपका, ठीक है। बाकी अगर कभी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो जो वीडियो के लिंक दिए हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इनलेट वाले ऐसे भी हैं जिसको आप रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद भी, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पाता है, तो उसमें मैंने एक टेक्निक बताया है आपको फेविक्विक से, ये वो रबड़ के लिए, तो उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके का बॉल कॉक का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद जो है आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाए। अच्छा ये कैप जो रह गया, देखिए ये कैप है ना, इसको अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं है, लगाना चाह रहे हैं आप अगर इसको, तो आप यहाँ से इसको निकालिए,
और इसको इस ये डाला यहाँ पे और यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको ऐसे ही बस निकालना है, ऐसे पकड़ा, ऐसे निकाला आपने इसको, ठीक है। ये है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सर, आज के लिए धन्यवाद आप लोगों को, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हमको जो है थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो इस तरीके का जो भी मेरे पास नॉलेज होगा मैं आप सबके साथ जो है शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो और दूसरा जो भी वीडियो आप लोग इसके इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो अगर इससे आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा।